स्विंग के सुल्तान साबिक कप्तान वसीम अकरम इस नो बॉल पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा गम का भी इजहार किया है। इन्होंने कहा कि कब तक बिग थ्री और बीसीसीआई के स्ट्रॉन्ग बोर्ड के सामने अंपायर्स का पैनल या अंपायर्स जो न्यूट्रल अंपायर्स हैं वो ऐसे हरकतें करते रहेंगे। शदीद गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में। अगर आपने ऐसा करना है तो कम अज़ कम बाकी टीमों को आप बता दें कि हम लोग अंपायर्स जो हैं वो बीसीसीआई के आगे लेट चुके हैं, यानी बीसीसीआई की हम बात मानेंगे क्योंकि हमें वो पैसा देता है, क्योंकि हमें हमारा बोर्ड को पैसा देता है। एक चीज़ आप नोट कीजिएगा के फ्यूचर के अंदर जब भी अंपायर्स जो न्यूट्रल्स हैं, न्यूट्रल कहते हैं कि न्यूट्रल है, हालांकि न्यूट्रल नहीं है क्योंकि इनको जहां से पैसा आता है ये वहां पे ज़्यादातर झुकाव इनका होता है, मोस्टली इनका झुकाव उसी तरफ होता है। बाबर की बात नहीं मानी, विराट कोहली ने कहा कि इसको नो बॉल दो तो उन्होंने नो बॉल दे दी और बाबर आजम को तसल्लियाँ देते रहे कि खैर है बेटा कुछ नहीं होता। यानी ये अजीब बात है।